सावन के आखिरी सोमवार को बाबा विश्वनाथ का रुद्राक्ष से किया गया श्रृंगार, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। बाबा महाकाल का किया गया विशेष श्रृंगार, चंद्रमौलेश्वर रूप में निकली बाबा की सवारी। खजुराहो के मंदिरों में प्लास्टिक वाली पानी की बोतल ले जाने पर लगी रोक, पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर लिया गया फैसला। और यूपी के गोरखपुर का पर्यटन के लिहाज से वैश्विक स्तर पर किया जाएगा विकास, अगले 5 साल में विकसित करने का रखा गया लक्ष्य। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात बाबा विश्वनाथ धाम की। सावन के आखिरी सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गर्भगृह से गंगा घाट तक हर हर महादेव के जयकारे से पूरा धाम गुंजायमान रहा। रात्रि में बाबा विश्वनाथ का रुद्राक्ष से श्रृंगार कर उनकी विशेष पूजा की गई। उनके श्रृंगार को देखने के लिए रात में भी बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। इस दिन बाबा महाकाल का राजा के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल ने मस्तक पर रजत चंद्र, त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रिपुंड धारण कर दर्शन दिए, तो वहीं शाम में भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर रूप में नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण के बाद सवारी शिप्रा नदी के तट पर पहुंची, जहाँ बाबा का अभिषेक पूजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के स्मारक मंदिरों में प्लास्टिक वाली पानी की बोतल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे देश में बैन होने की वजह से खजुराहो के मंदिरों में भी पानी की बोतल बंद कर दी गई है। जल्द ही मंदिर परिसर में पीने के पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को अगले 5 साल में पर्यटन के लिहाज से वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाएगा। इससे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर और मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले खिचड़ी मेले को जहां विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी, तो वहीं रामगढ़ ताल में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा भी जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ ही यहां सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित डोंगिया जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स के साथ नौकायन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित बाराही धाम मंदिर में बगवाल मेले का आयोजन 19 अगस्त तक किया जाएगा। इस दौरान मंदिर को बाबा केदारनाथ की तर्ज पर फूलों से सजाया गया। यहां दूर दूर से श्रद्धालु मां बाराही के दर्शन को आते हैं। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।